वो बच जाए। ये नहीं कि 50 लोग, दो चार लोग जो टॉपर हो, आप अपना जो टॉपर रहे हैं या ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छा लिखा था और मेरे को आधे मार्क्स भी नहीं मिले, वो चार पांच बच्चे आगे आए वो अपना रोल नंबर और हमें दे, हम उनकी कॉपी दिखा के हम उसको चेक करवा के देख सकते, ठीक है, उनका गलत पाएगा तो फिर सब हाँ, फिर सब पूरा बटन चेक करवा लेंगे, इनका गलत एक मानक है ना, वो मानक ही गलत हो गया, वो मानक ही गलत हो गया तो सभी का गलत माने, इनका सही माना जाए तो उसके बाद सबकी कॉपियां चेक होंगी, फिर हम कोशिश करेंगे कि सभी का फिर री इवैल्यूएट हो। लेकिन अगर पांच में से केवल एक का दिक्कत है, चार का बिल्कुल सही है, तो फिर हम देखेंगे क्या उसमें होता है, ठीक है। पांच छह बच्चे ऐसे आओ तुम लोग जो बिल्कुल अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इससे पहले एग्जाम में बहुत अच्छे से आप अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मैंने बिल्कुल 70 का गया 75 और मुझे 30 मिले, तब तो हम बिल्कुल चेक करेंगे, ठीक है। पांच छह लोग ऐसे आ जाओ, ठीक है, इससे ज्यादा मैं क्या करूँगा, आप लोग बताओ, ऐसा नहीं कि आप उन्हें कुछ कह दिया और आप लोग मान के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, क्योंकि अभी बात साफ साफ हो जाएगी, बात नहीं होती, कंट्रोल साफ साफ हमने बात कर लिया, मत करो, जो भी तुम्हारे दिल में पूरी बात बोलो, इसलिए हम यहाँ खुद बैठे। और इससे पहले फिजिक्स में हुआ था, कहाँ हुआ, फिजिक्स में हुआ था सर, लास्ट में करवाया, फिजिक्स में भी मैंने करवाया नहीं करवाया, फिजिक्स में करवा के दोबारा लेगा और वो टीचर को आज से 5 साल तक के डिपार्ट भी कर दिया सर ने, सर सेकंड सेमेस्टर के बैक नंबर पर जिनका 2021 में एडमिशन था अभी तक सेकंड सेमेस्टर के बच्चे एग्जाम एडमिशन नहीं हुए, विदाउट एनएपी होने वाले हैं, होने वाले। और सर एक आज रेजिडेंट लग रही है, ये बीएड की मार्कशीट नहीं आई है 4th सेमेस्टर की, जबकि एलटी की पोस्ट आई है और अप्लाई करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। अब 4th सेम की कंसोलिडेटेड, अभी तो एग्जाम रिजल्ट आया है, अब डेटा आएगा उसमें 1 महीना लगना है, जवाब लेकिन कि हमारा जो एक संकल्प पत्र था सर, जिस पर हमने की चुनाव लड़ा और सबने हमारा साथ दिया और चुनाव जीते, इन सभी लोगों ने दिया और कोई अलग से नहीं आया, उसमें हमारी जो सबसे पहली बात थी सर, उसमें था कि विश्वविद्यालय की मार्किंग व्यवस्था में सुधार करेंगे ताकि विद्यार्थियों का परीक्षा फल हमेशा ठीक आए, पूर्व के हालातों में जिस तरह विद्यार्थियों को फेल किया गया या फिर बैक आई, भविष्य में ऐसी भविष्य में ऐसा दोहराया नहीं जाएगा। नहीं, वो तो नहीं जाएगा, लेकिन बच्चों का भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा टीचर गलत हो, कह रहे हो तो सही बात है, तभी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मैं आप कह रहा हूँ जिसको लगता है कि मेरे साथ बिल्कुल अन्याय हो गया, बिल्कुल मेरा मैंने 75 में से 70 तो किया ही किया, वो मैं कह तो रहा हूँ, तो फिर एक्शन लेंगे उस पर, है ना, और नहीं तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे भाई, इस चीज के लिए तो कुछ लिखा जा सकता है सर, किसको लिखा है, मतलब एक लेटर जारी तो हो सकता है, हम तो सारे जिनको मतलब कॉपियां जाती है ना सर, जो जाती है उनको इंस्ट्रक्शन क्रिकेट में जाता है, जहां भी सेंटर मूल्यांकन होता है वहां पहली चिट्ठी चले जाती है, इंस्ट्रक्शन हर जगह हर मूल्यांकन सेंटर में जाता है, पर टीचर को पता है हमें दे सकते हैं ना, वो नहीं देंगे, थोड़ा गोपनीय चीजें भी होगी ना, मैं कह तो रहा हूँ आप तो यार अपने स्टूडेंट रहे हो, मैं सही तो मैं कह रहा हूँ, अब ये कह रहा हूँ क्योंकि सर ये जो चीज हमने संकल्प पत्र पहली बार चाहे छात्र राजनीति के इतिहास में हुआ है, क्योंकि अगली बार जब हम जाएंगे उनके बीच तो सीधी सी बात है उनकी नजर में वो 12 चीजें हैं जिसके बारे में हमने चुनाव लड़ा, और वो कहेंगे कि भैया आपने इस चीज पर क्या किया, नहीं भैया ऐसे टीचर को डिबार्ड कर हम लोग कर रहे हैं 5 साल तक, तुम ही तो आए थे, ठीक है, हम इस चीज का जब मुद्दा लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे गोपनीयता की वजह से, और पार्ट लिए गए कार्रवाई हमने की है उनके ऊपर, वो टीचर आज से 5 साल तक कभी कॉपी नहीं जांच पाएगा, उसकी जगह मतलब और सीनियर टीचर सर ने उनको दे रखे, उनसे भी अच्छे टीचर है जो है, तो मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि और वह भी बोल भी रखा कि अभी अगर लड़कों को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है वो टीचर पे करेंगे, उसके बाद हम लोग सर क्या करते हैं ना, सर सिलेक्टेड टीचरों साइंस के टीचर में तो सर का खुद साइंस से उसमें है, साइंस के टीचर में सिलेक्टेड टीचरों को भेजते हैं सर कॉपियां, तो सर ऐसे टीचर को भेजते हैं जो बहुत वो करने वाले हैं, इस बार तो नाम छांट छांट के भेजे हैं सर, मतलब इन चीजों में सर नहीं हाँ जा रहा है, खुद फोन करके भी उनको बोल रखा कि भैया कॉपी ढंग से चेक कर, इससे क्या होगा हमारी इंडस्ट्री, मतलब बुरा बच्चा ऐसा होता है कि सब एक ही तराजू में तोल दिए जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है एक धुन में चेक हो रही है एक रेंज हो जाती है, वो भी मैं देख रहा हूँ इस बार की रेंज कैसे आ रही है, 30-40 के बीच सबके मार्क्स क्यों आ रहे हैं, गलत होगा ना, किसी के 4 भी आने चाहिए, किसी के 65-70 भी आने चाहिए, तब तो अच्छी मार्किंग दिखती है ना, 35-36-36-37 ऐसे मार्किंग जिसमें भी दिखेगी हम उसको फिर वेरीफाई कर पाएंगे, इस बार ये भी मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, और इस बार हमारे 4 सेंटर है मूल्यांकन सेंटर, तो 4 मूल्यांकन सेंटरों को सारे को इंस्ट्रक्शन दे दिया,
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर और लोहागढ़। तो इन चार मूल्यांकन सेंटर में सरकार की ओर से भी निगरानी होगी। मतलब इसमें क्या है, मतलब ये सेंटर बना दिए इवैल्यूएशन सेंटर में, इवैल्यूएशन सेंटर ये जल्दी रिजल्ट निकालने के लिए, रिजल्ट प्रोसेसिंग जल्दी हो जाए, हर डिस्ट्रिक्ट का वही कॉपी चेक हो गया है फटाफट प्रोसेसिंग। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले पहले यूनिवर्सिटी आती थी सारी कॉपी, और यही जनरली बड़ा मूल्यांकन सेंटर यहाँ होता था और छोटे माइक्रो सेंटर जैसे हमारे बनते थे। अभी हमारे चार मेजर इवैल्यूएशन सेंटर है, चार मैंने बताया, इसके आसपास के क्षेत्र की कॉपियां यहाँ जाएंगी और उस कॉलेज की कॉपी वहाँ चेक नहीं होगी, कोई बाहर का एक्सटर्नल एग्जामिनर वहाँ चेक करेगा। ये है, वो तो होता है हर जगह, पहले से भी होता है, लेकिन पहले क्या था कि सारी कॉपियां यहाँ आती थी फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट। अब हर डिस्ट्रिक्ट में हमने चार इवैल्यूएशन सेंटर बना दिए, तो उनकी कॉपी वहीं चेक होके प्रोसेस भी वहीं से हो जाए और रिजल्ट जल्दी प्रोसेस। आप लोग बताओ और क्या बात है आपकी? और सर जिनके पहले नंबर ज्यादा थे और कम हो गए, मतलब रात को मेरे नंबर थे 407 थे ना 6 समय से, अब कम हो गए 381 हो गए। कौन सा सब्जेक्ट है? रिसर्च कैसे नंबर भी कम होते हैं सर? सेकंड टाइम में मेरे साथ ही हुआ था, 427 नंबर थे, 420 नंबर होते ऐसे, पहले दिन रिजल्ट में ऐसा था, अगले नेक्स्ट डे ऐसा हो जाता है सर। मैंने 407 थे रात को देखे थे मैंने, उसको अभी सुबह देखे तो 381 हो गए। नहीं तो क्यों हो गए ऐसे? वो दोनों मार्कशीट एक बार दिखा के हम लोग उससे क्रॉस चेक करवा लेंगे, क्रॉस चेक करवाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम करके, अगर ऐसी दिक्कत है वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के कारण हुआ है या क्या हुआ है वो हम देख लेंगे। सर एक डाउट और है मेरा, जैसे हम मैथ्स की कॉपी चेक करेंगे ना तो, बट जैसे मेरी इंस्पायर है तो मेरी एवरेज आउट परसेंटेज अगर बाकी सब्जेक्ट में भी मिस्टेक होगी तो जैसे चेकिंग में कोई मिस्टेक हुई तो एक मैथ का तो पहले सुलझा लेते हैं, है ना? आपको मैथ में है ना सबसे डाउट, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में डाउट है, उसको हम क्लियर करेंगे। कौन सा पेपर उसका? मैथ्स का दोनों पेपर में। नहीं तुम बताओ, दोनों पेपर खास को एक पेपर बताओ जिसमें तुमको लगा कि इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, खासकर मतलब दोनों में इनजस्टिस तो मतलब जिसमें ज्यादा लग रहा वो हम जिसमें ज्यादा दिक्कत है आपको, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में भी लग रहा है फर्स्ट पेपर में ज्यादा इंटरेस्टिंग। एक से तो शुरू करें हम, फर्स्ट पेपर से शुरू करते हैं, चार पांच बच्चे जिन लोग इंस्पायर फेलोशिप बेसिस की वो आ जाए और जिसको कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस है उसको कि मैं बिल्कुल मैं लिखा हूँ, 5-6-10-8-10 भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। कब भेजेंगे सर ये लोग? ये आरटीआई वहाँ लगा देंगे और एक लिस्ट बना के सर को दे देंगे, अब जैसे ही वहाँ से आरटीआई आएगा सबसे पहले इनके निकालेंगे, टाइम लग जाएगा नहीं लगेगा ना, वहाँ से वो लोग भेज देंगे ना, आज भेजेंगे और रात को ही काम शुरू कर देंगे। आज अगर ये लगाता है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कल परसों तक हम लोग इसकी कॉपी दे दें करके, क्योंकि अभी हमारी सबसे ऐसा है क्योंकि आशीष भाई तुम्हें पहले से ही पता है कि हमारे पास प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टोर का है, तुम्हें पहले से पता है, अभी तक स्टोर में हम लोग कॉपी नहीं डाल पाए हैं, लेकिन फिर भी हम सर कंट्रोल सर के उसमें बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है कि लड़के कैसे ना कंट्रोल स्टोर में पहुंचे। आप एक काम करो, वो छात्र संघ भवन ले लो हमारा, उपाध्यक्ष अलग कहेगा महासचिव सही भी नहीं है, एक कमरा हमें काम के लिए आपका भवन उचित नहीं है सर, वहाँ ऐसा है ना, ना अभी कुछ प्रोग्राम होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी ये और सारी चीजें कबड्डी। असल में ना आशीष भाई हॉल खोलने के लिए पूरा हॉल चाहिए होता है, मतलब आप समझ रहे हो बंडल है, बंडल है, इतनी कॉपियां हैं, इतने कॉलेज एक सेंटर में कम से कम 50,000 कॉपियां होती है, ये सब सेंटर वाइज इतना लगाना पड़ेगा। अभी 2-3 साल तक जब तक बिल्डिंग नहीं बनती हमें दे दो भाई, हमको कुछ नहीं 6 महीने तक चाहिए था, तो दिक्कत आ जाएंगी, हम इस चक्कर में परेशान तो हम हमें दिक्कत हो जाएंगे, और छात्र संघ बहुत उससे है ही नहीं कि मतलब हमारा, लेकिन हमें इतना है कि पूरी कोशिश करें आरटीआई लगाओ, आरटीआई लगा के वो लिस्ट जिन जो लड़कों का ये है वो लिस्ट आप सर को देके जाना, सर वेरीफाई कर देंगे हम नाम से ढूंढ के हम ले आएंगे। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं, कि क्या होगा, आपने क्या करना है, आप सीधे सीधे पूछो किसी भी चीज में बिल्कुल संकोच। आप लोगों को बता दे रहा हूँ भैया, ऐसा है पूरा का पूरा आप लोग आरटीआई वहाँ लगा दो आज, ठीक है? उसके बाद एक लिस्ट प्रॉपर नाम और आगे से सब्जेक्ट और रोल नंबर नॉट नंबर लिख के पूरा सर कंट्रोल सर को दे दीजिए, लगाया मैथ फर्स्ट पेपर में आरटीआई इस तारीख को लगाइए, रोल नंबर या एनरोलमेंट सर एक सब्जेक्ट से तो पूरे इंक्वायरी का वो नहीं हो पाएगा ना, तो सब में लगाएंगे।
कैसे नहीं हो पाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक में गड़बड़ का पता तो चल जाएगा सर, बट अगर मान लो चलो गलती से उसके बाद मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हुए, कॉन्फिडेंट सर नहीं सर मैं कह रहा हूँ बाय चांस अगर ऐसा हो गया मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना, तो मैथ फर्स्ट में पहले लगाओ, मैथ फर्स्ट में ज्यादा दिक्कत है तो उसमें लगाओ ना, ज्यादा सब्जेक्टों में हमें प्रॉब्लम होगी ना ढूंढने में, हमारे पास मैं कहता हूँ इसलिए नहीं है, खिचड़ी बन जाए एक का भी काम नहीं होगा ना, उसके बाद की फिर नेक्स्ट स्टेप फिर अगर कमी पाए उसमें भी लगाना चाहिए, ये कह रहा हूँ ना मैं, एक चीज तो क्लियर हो जाए आपका फर्स्ट पेपर में हमने क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है मुझे भी पता चले ना किस लेवल पे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं, मेरे पीछे तो चीजें मेरे सामने तो हर कोई कॉपी चेक नहीं करेगा है ना, तो उस आधार पे अगर कुछ मिलता है डिफरेंस मिलता है मार्क्स का तो आपका मार्क रिवेलिएट होंगे मैं कह रहा हूँ, और उसको डिबार किया जाएगा जिसने भी ऐसा किया होगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये भी है बड़ी चीज है ना, जैसे पहले फिजिक्स में हुआ था, अभी बाय चांस इसमें गलती पाई जाती है, नहीं पाई जाती तो अलग चीज है, तभी तो कह रहा हूँ बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं इनमें गलती पाई जाती है, इसमें मेरा पेपर में बिल्कुल नहीं आया तो ही कह रहा हूं इनमें गलती पाई जाती है, तभी तो वो टीचर पांच साल की तो नहीं करेगा, लेकिन आगे भी तो वही चीज होते रहेंगे ना सर, पिछली बार हुआ था इस सेमेस्टर में अगले ऐसा है ना भैया, वो कुछ किया जाए ऐसा कुछ किया जाए वो तो अलग चीज है ना, सेंटरों में ना ये नोटिस घुमा दिया जाता है कि जिसकी गलती पाई जाएगी वो आने वाले पांच साल तक कॉपी चेक नहीं कराए, ये भी घुमा जाता है, हम तो एक्शन तो कंट्रोल सर हमेशा लेते हैं कि पांच साल तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे करके, उस टीचर को भी तो डर है कि मैं ना, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ने के लिए उनका भी तो सीसी पूरा क्लियर होना जरूरी है ना, अगर उन्हीं का सीसी क्लियर नहीं होगा कंट्रोल सर ने अगर लिख दिया उनके खिलाफ तो उनको भी तो प्रॉब्लम होगी, तो उनको लिखा जाता है कि आपको इस प्रॉब्लम में दिया जा रहा है, तो वो भी अपनी तब सावधानी बरतते हुए पूरे जाते हैं कि आपको डिवार कर दिया जाएगा करके, नहीं उनका पूरा का पूरा दुआ दिया जाता है, रेगुलेशन जाते हैं उनको पहले बताया भी जाता है सेंटर में कि कॉपी ऐसे चेक करेंगे, आज से पेपर शुरू हुआ अब फिर भाई फिर तुम हमारे पास आओ भी टेंशन है ना, ऐसा है ना आशीष भाई, हर साल सरकार ना 20 से 50 टीचर अपॉइंट करती है, नया टीचर आता है तो नया जांचने वाला मतलब 3-4 साल में उनको कॉपियां मिलती है, तो नया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको भी होती है शुरू में चेक करने में, वो सीनियर से पूछता है जिससे हमने मन से काम करा उस पर कार्रवाई हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल सर रिटायर हो गए टीचर, कुछ नहीं है हर बार उनको ये चीज होनी चाहिए सर, अब सोचो 12 लाख कॉपियों में से ना 12 लाख कॉपियां चेक होती है, 12 लाख कॉपियों में से 200 टीचर के ऊपर इतनी निगरानी तो हो नहीं सकती है, लेकिन वो ऐसी निकल के आता है कि जब कॉपी का कोई बटन चलेगा तो वैसे ही हो सकता है ना, ये आप भैया तू ना पहले मैथ्स में लगा दे, ठीक है तू मैथ्स में लगा सबसे पहले, उसके बाद जब तेरा मैथ्स में आ जाएगा उसका फिर फिजिक्स के लगा दे, वो भी देंगे ठीक है, बस हो गया, अगर मैथ्स में तुम्हारी गड़बड़ पाएगी तो गाड़ी में लगा दे, हम करा देंगे उसमें ठीक है, और कुछ जितने लोग आए सभी पहले बताओ, सभी एक स्वर में मतलब ठीक है पक्का भाई लोग ठीक है ना, ठीक है जो है ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक्शन हम लेंगे ना अगर ऐसी गलती पिछली बार भी फिजिक्स में हुआ एक्शन इस बार भी होगा अगर ऐसा हो गया उनसे मिले थे कुलपति महोदय से, तो हमने एक और बात कही थी कि मुख्यमंत्री एलएन की तरफ पर हम लोग भी मतलब हमारे कैंपस में चार से घंटे हेल्पलाइन जारी करेंगे जिसमें आप सारी सूचना दे सकते हो, तो जो लोग सर यहाँ है हेल्प डेस्क पर जो नीचे बैठते हैं उनको आप कैंपस क्यों नहीं कुलपति जी, तो हमारा ही कैंपस से कोई जो जानकार हो वो बिठाया जा सकता है, कंपनी वाले से हम कहें तो उसके लिए एक्स्ट्रा वो पेमेंट लेगा ना, कैंपस का हेल्प डेस्क खोलो उसके लिए फिर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ और प्रावधान है, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट हमारे अधीन नहीं है, वो हमारे जो ईआरपी वाले हैं लिखना पड़ेगा ना कि हमें कैंपस के लिए एक हेल्प डेस्क की जरूरत है आप हमें प्रोवाइड कराएं, कौन लिखेगा ये रजिस्ट्रार की तरफ से जाना चाहिए,
कुलपति महोदय को नहीं, कुलपति महोदय तो पत्र नहीं लिखेंगे, तो जाएगा विस्तार की तरफ से ही पत्र जाएगा एलएन को, इन टीम को जो हमारी एआरपी की टीम है उसको। क्योंकि बात क्यों आए ऊपर गुरुजी बस उन्हें वो क्या करते जो नीचे बैठते हैं नोट ही तो करते हैं, नोट करने के बाद शाम को वो देते हैं उन्हें, वो नोट क्यों आए गुरुजी इतना घूम के नीचे से वो नीचे बैठे सीधे उनको वापस वो कर देंगे। नहीं नीचे कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज है वहाँ, कंप्यूटर लेके तो बैठ नहीं सकता, कंप्यूटर उनके पास कंप्यूटर है भी नहीं सर, जो यहाँ बैठते हैं वो कॉपी। अच्छा आप वही हेल्पडेस्क वाले नीचे ही बैठे हैं, वो कॉपी वही है, वही बात है जमाना है। हाँ बस वो जो चीज वो लिख रहे हैं वो नोट वहाँ कर ले, तो कोई रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम उन कुलपति जी ने कहा सर कि मतलब जो एटीएम के बगल में जगह है आप उसको थोड़ा रेनोवेट करके वहां पर बैठवा सकते हैं, अगर उनको कोई कमरा देना शिकायत निवारण केंद्र वाला कक्ष है वहाँ हो सकता है, वहाँ पे कोई टीम देखा जाएगा। इसके लिए हमारे धामी सर भी धामी सर को मैं ये जिम्मेदारी देने वाला हूँ कि कैंपस लेवल पे एक हमारा हेल्प डेस्क खुल जाए हमारे संकल्प पत्र में भी है, और वो केवल वहाँ पे कलेक्शन सेंटर आप अपनी शिकायत वहाँ कलेक्शन बाद में जो यहाँ हो रहा है वही चीज वो सीधे हमारे पास। ये तो बात चल रही थी हमारी लेकिन जगह की कमी के कारण हम शुरू नहीं कर रहे, तो 6 महीने पहली बार ज्वाइन किया था उसी समय बात होगी ऐसा करेंगे मतलब कैसे होगा सर क्या हो सकता है इसमें होगा, मैं अब कोशिश करूंगा लेकिन थोड़ा जगह सजेस्ट करोगे आप लोग कहीं पे कहाँ हो सकता है जगह तो इनको कुछ न करें मतलब वो हमारा भी नहीं है ना, हम तो घर गए हैं वो बेचारा बाहर गया तो उसपे कोई आपका कोई जगह ढूंढते क्योंकि बाहर वाले भी कुछ होगा तो फिर हमारे छात्र हमारे बंदा देखो तो बाहर अपने अपने लेवल में तो घर में लड़ाई चल रही है अब बाहर वाले को भी किया किसी को तो इसलिए वो डर रहे थे ना थोड़ा आक्रामक हो जाती है। वो पहले दिन गए थे ना नीचे जिस दिन वो उसके आगे इस काउंटर के आगे बवाल हुआ उस दिन डर गए वो वापस आना पड़ा उनको वहाँ पे उसी पहले दिन ही गए थे उसी टाइम छोड़ के आना पड़ा लड़के डर रहे हैं वहाँ पे टीचर फीस काउंटर वही नीचे हेल्प डेस्क वाले करवाएंगे असल में ना जो फीस का और वो है ना कैंपस और उनके बीच बॉन्डिंग हुई है मतलब कॉन्टेक्ट हुआ है तो फीस वही जमा होगी वही जमा करवाएंगे समझ गया वो अपने डेवलपर को भेजेंगे जो अगर हमारे हाथ में होगा हम कर देते हैं उन्होंने उनको ठेका दे रखा ना नाम दे रखा पेपर में लिख के बता सकते हैं कि क्या हो रहा है लड़के बैठे।